तो यही है वो साड़ी जिस साड़ी का व्लॉग मैं आपको पहले भी रिव्यू दे चुकी हूँ कि यही मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। और एक और साड़ी यूज़ करेंगे मावस के लिए। और चलिए चलते हैं एंजॉय करते हुए और रील्स बनाते हुए। ये है मेरी फ्रेंड पूजा जिसने हाउस लिया है और इनॉग्रेशन के चक्कर में हम फ्रेंड्स वगैरह सारे गैदरिंग फिर से हुए हैं, तो करते हैं देखिए जिस जिसको सिल्क साड़ी पसंद होती है उन्हें ये साड़ी काफ़ी पसंद आएगी। और इसमें ऑरेंज कलर का बॉर्डर भी है और प्रिंट भी दे रखा है, बहुत ही प्यारी। पहले कर लेते हैं नाश्ता, जैसे कि मैंने थोड़ी पकौड़ी वगैरह बनाई थी, और फिर करते हैं मूवी के साथ एंजॉय। और थोड़ा सा बनाया है मैंने यहाँ पर पोहा, और पोहे को भी एंजॉय करते हैं और फिर जाएंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए मार्केट। तो चलिए चलते हैं, चल रहे गिफ्ट लेने के लिए। आज है मेरी फ्रेंड के गृह प्रवेश और गृह प्रवेश में मैं डालूंगी गोल्डन कलर की साड़ी, उसके साथ मेरा न्यू लुक आएगा। और ये है एनवायरनमेंट के बाद यहाँ है स्कूटी ऑब्वियस वाइट कलर के उसमें पोशाक। तो आज है मेरी फ्रेंड के गृह प्रवेश की तैयारी और उसमें मैंने डाली है ये वॉच, ये देखिए ये मेरा पीएस का वो, और ये मेरे इयररिंग्स, और ये मेरी साड़ी। देखिए साड़ी कैसी लग रही है बताइए जरूर। सिल्क साड़ी है, पहले भी डाली है मैंने, लेकिन पहले इस तरह से नहीं डाली थी कि मतलब इसका पूरा लुक आता है उस तरह से। देखिए जिनको सिल्क साड़ी पसंद होगी उन्हें पता होगा कि मतलब साड़ियों का लुक कैसा जाता है, तो मैंने उसी हिसाब से इस साड़ी को डबल सर्जरी साड़ी है और उसमें मैंने गोल्डन कलर का ब्लाउज लिया हुआ है। तो मैं फंक्शन में जाऊंगी और वहाँ थोड़ी थोड़ी सी क्लिप जो भी होगी आपको दिखाऊंगी, फिर उसके बाद देते हैं इसका मूवमेंट। तो चलिए कौन कौन लॉकअप का शौकीन है और उसके साथ हम लेंगे आज कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा। ये यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, और ये रहे और क्या नहीं। गुड मॉर्निंग, पेड़ काफी कितना चेंजमेंट हो रखा है देखा। फिर उसके बाद यम्मी टेस्टी दाल राइस, और सर्दियों में ठंडे पानी का हो चुका इंतजाम। मैं शादी में बहुत गोरा हाय आज सुन। हेलो हेलो, ना सोनी ने इंजेक्शन क्यों ना वो बना रखा, मेरा दर्द हो रहा है। ब्रेड का निशान तो है, देखो किसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, मेरा और वो कहाँ टोन सा। तो जैसा कि अब गर्मी आ चुकी है तो उस हिसाब से देखिए मेरे टॉवर्स वगैरह और ये सब में नई नई क्वालिटी है मेरा आउटफिट जैसा कि आप देख रहे। फिर उसके बाद हम दिखाते हैं, हम देखिए वो बेबी हमारी गली में किस तरह से खेल रही है, और ये है मेरा आउटफिट। उसके बाद साड़ी की वीडियो मेरी फ्रेंड की, वो जो मैंने दिखाई थी ना गृह प्रवेश, तो उसकी वीडियो आपको थोड़ी बहुत देर बाद मिल जाएगी इसी ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट टाइम अभी चलते रहेंगे, पता नहीं कौन आए कौन जाए, पूरा दिन का शेड्यूल काफ़ी बिजी होगा। अब पता गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है इसलिए। हाय
ना भैया। हाय सोनी। हाय सुजी। मेरे को धूप कितनी ज्यादा हो रही है। और ये पेंटिंग कितनी प्यारी। और फ्लोर ये है मधुबनी पेंटिंग्स। लेकिन कुछ जल्दी खराब ना होगी। बारिश वारिश पड़ा है। देखिए कितनी जल्दी तैयार हुआ है सारा का सारा मॉल। देखिए पूरी किस तरह से बिलेंगी, ऐसे ऐसे दो ही बेलों मारने इस पर। तो ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और वो रहे मेरे लिए काफ़ी टेस्टी रहे मेरी मसाले वाले। मैं दिखाऊंगी आपको ये मैंने क्या आलू बॉईल किए हैं और ये है मेरे टमाटर और प्याज यहाँ पे और ये है मेरी दही जो उसमें जाएगी और ये है हमारे मसाले वाले देखिए चने कितने टेस्टी और यम्मी खाने में बहुत टेस्टी। चलिए चलेंगे बाय बाय। आज था मेरा चाट खाने का मन तो मैंने सोचा कि घर पे ही बना लेते हैं क्योंकि आपने देखा होगा मैं बनाती रहती हूँ गोलगप्पे सूजी के। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई थी चाट पपड़ियाँ। ये है हमारी तैयारी। चलिए देखिए इसमें जो है इस वाले घान में तो मेरी कोई भी एक भी गोलगप्पे की पूरी ऐसी नहीं है जो फूली ना हो। तो आप क्या करोगे गरम तेल में जैसे ही इन्हें डालना स्टार्ट करो तो उसके बाद ऐसे दो तीन बार ऐसे कर दिया तो पूरी अपने आप फूल जाएगी। और जो ये पहली वाली है इन्हें ऐसे करके और धीमी कर देंगे गैस। देखिए कितनी करारी और बढ़िया वाली बनेगी। तो देखिए किस तरह से फूल रहे हैं। जो फूलेंगे वो भी काम आएंगे जो नहीं फूलेंगे वो भी काम आएंगे। तो धीमी गैस पे पकाने ही आपको। ये देखिए किस तरह से फूल रहे हैं। तो हमें तो चाट पपड़ी बनानी तो हमारे तो ये सारे ही काम आएंगे। तो देखिए क्या सफल हो रही है हमारी। तो हो गए हैं देखो कितने सारे गोलगप्पे तैयार। थोड़ी ही देर में काफी फूले भी हैं और पपड़ी है। तो हमें तो चाट खानी है तो हमें तो इस मैटर से पता ही नहीं लगेगा कि मतलब हमें खाना क्या है। तो ये है हमारी पिट्टी और ये है इसमें प्याज और ये जाएगा मटर फिर चना और ये जाएगा इसमें दही और ये है इमली की चटनी जो आपने देखी होगी और उसके साथ उसके बाद लंच का डिनर हो गया कंप्लीट। चने करेला की सब्जी ये है चने आलू दही बटर ये है हमारी थाली ये है शर्मा जी खा लीजिए। और यहाँ रात में सब कुछ खाने पीने के बाद इनकी चल रही है थोड़ी सी मस्ती। ये अपने पापा को सोच रहा था कि हरा देगा लेकिन बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। इन्होंने थोड़ा सा खुश करने के लिए पहले अपना हाथ डल कर दिया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। सुपर सी गुड मॉर्निंग के साथ आज का करवाते हैं शुरुआत। मैंने आपको बताया था कि मेरी साड़ियों के ब्लॉग इसी तरह से आते रहेंगे। तो ये है मेरा चूड़ा जो आपने पहले भी देखा होगा। ये मेरी पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए है और ये है मेरे इयररिंग्स और देखिए साड़ी का लुक। तो आज पूजेंगी हमारे यहाँ पे माता और मेरा हो गया सारा काम। तो देखिए देखिए उसी हिसाब से मेरा ये साड़ी फिनिशिंग वगैरह
हो चुकी हैं। और यहाँ पे आइए चलते दिखाते हैं आपको मेरा मंदिर। आपको पता ही है कि काफ़ी स्पेस हो चुका है मंदिर में, तो काफ़ी मन भी लगता है। ये बास्केट मैंने खरीदी है कि जैसे मंदिर में व्रत के सामान को रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से चलिए। जैसे माता पूज करते हैं उसके बाद इस तरह से साथे के तिलक रखे जाते हैं। देखिए इस साड़ी और तिलक के साथ मैं दिखाती हूँ। साड़ी का लुक ओपन पल्लू के साथ ये आगे। बनेगा मंचूरियन वगैरह, फूल वगैरह रख देते हैं। तो करते हैं अपने लंच की तैयारी। तो आप करिए व्लॉग एंजॉय। इसकी गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह से, और फिर आज है अमावस्या का दिन। देखिए क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, और यहाँ हो गई है हमारी पूजा, क्योंकि फिर हम कल रहेंगे व्रत। तो ये और फिर चलते हैं किचन का व्यू। ये देखिए रूम, मैंने बताया था आपको कि धीरे धीरे अपडेट देती रहूंगी कि मेरे तैयार हो गए हैं ये रूम। ये देखिए ये सब काफी अच्छा तैयार हो गया है, और ये धीरे धीरे सब क्लीन वगैरह हो जाएगा। उसके रूम रेडी होने में थोड़ा सा बाकी है। और अब चलते हैं किचन की तरफ। अब किचन में देखिए तो आज बनेंगी खीर और पूरियां, क्योंकि आज है अमावस्या। तो पहले हम भोग लगाएंगे चूल्हे को, बोलते हैं कि कुछ भी बनाए तो सीधा पहले भोग, और उसके बाद चलते हैं अपनी गौ माता को देने के लिए। फिर उसके बाद दिखाऊंगी आगे का। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया था अचानक हमारी गली में एक चोर। तो पहले इसका फेस दिखा देती हूँ मैं आपको, और अगर आप कहीं भी इस तरह के लोगों को देखें, ये अचानक से ही चोरी करने का कोशिश करते हैं, तो आप भी बचिए इन सब से। फिर हमने तो पुलिस बुला के उसे अरेस्ट करा दिया था। आगे चलेंगे फिर। और सबसे बेहतरीन क्या हो गया कि अब छत पर इतना स्पेस हो गया कि जैसे कभी मुझे वीडियोस और क्लिकिंग का ज़्यादा शौक है, तो उस हिसाब से हमारे मामले सारे क्लियर आने के लिए इसमें बहुत प्यारी लोकेशन आ गई है। इस तरह के बना दिए गए इसमें डिज़ाइनिंग, जिसमें एक कबूतर वगैरह कभी भी होगी तो देखिए कभी भी कितने भी स्टाइल तक इसे ले जा सकते हैं।
और साड़ी के साथ कर देते हैं यहीं पे एंड। और इसी तरह से अब नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं और साड़ी के नए नए व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। ये वाली साड़ी का व्लॉग मेरा मिलेगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ साथ चलती रहेंगी। बाय बाय।